तो मेरे प्यारे भाई और भाइयों की बहनों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेचर की। हाँ जी, नेचर मतलब किसके दिल के करीब नहीं होता यार, आप बताइए मुझे। नहीं, आप बताइए, आपके करीब नहीं है क्या नेचर। एक शहर है हमारे इस भारत में जो नेचर के बहुत करीब है, सुनना चाहेंगे आप? तो फील मैं आपको सुनाता हूँ और आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर फरमाइए। प्रकृति की गोद में बैठे पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत शहर को कहते हैं असम की धड़कन। सुपारी और बाजार के अनोखे संगम से बने शहर में पर्यटकों का लगता है मेला। सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से दुनिया भर में मशहूर इस शहर की खूबसूरती निहारने हर साल पर्यटकों का मेला लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बैठे गुवाहाटी शहर की। इस शहर की खूबसूरती आपको इस कदर कायल कर देगी ना उफ, कि चाह कर भी आप इस शहर को घूमे बिना नहीं रह पाएंगे। गलियों में चाट के भंडार, मंदिरों में बजती घंटियां और चारों तरफ भाईचारे से रहते लोग, और भी बहुत खास बातें हैं यहाँ की। तो चलिए असम के इस सबसे बड़े शहर के बारे में जानते हैं। गुवाहाटी की कुल आबादी 11,35,000 है, जो भारत के दूसरे बड़े शहरों की तुलना में काफी कम है। इस शहर का उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। 216 वर्ग किलोमीटर में बसे इस शहर को सिटी ऑफ टेंपल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहां के मंदिर दुनिया भर में जाने जाते हैं। गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ पूर्व उत्तर भारत में असम का सबसे बड़ा नगर है, या यूं कह लीजिए कि असम की धड़कन है। एक वो भी समय था जब गुवाहाटी को प्राग्ज्योतिषवर नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है पूर्व का प्रकाश। दोस्तों, गुवाहाटी दो शब्दों गुवा और हाट से मिलकर बना है। गुवा का मतलब क्या होता है? सुपारी। और हाट का मतलब बाजार। चारों तरफ पहाड़ों और खूबसूरती से घिरे इस शहर को नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गुवाहाटी में एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं और हर मंदिर अपनी एक अलग कहानी कहता है। ये कहानियां आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप जानते हैं कि गुवाहाटी की लड़कियों को भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां माना जाता है, और ये दिल की बहुत साफ होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित ये शहर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ इसे घेरे खड़े हैं। सुंदर वादियों का ये शहर प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है। यहाँ न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता साफ तौर पर देखी जा सकती है। संस्कृति, व्यवसाय और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण गुवाहाटी बेहद रंगीन हो उठता है। यहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, एसमीज, सिख और भी शामिल हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हैं। गुवाहाटी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ आपको धर्म या जाति के नाम पर लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ सभी त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कामाख्या देवी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर आप गुवाहाटी घूमने गए हैं और आपने कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। गुवाहाटी पर्यटक स्थल दूर दूर से आने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी के मंदिर का महत्व काफी ज्यादा है। ये मंदिर गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। कामाख्या देवी का मंदिर न सिर्फ गुवाहाटी बल्कि भारत के भी प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आपको भी कभी गुवाहाटी आने का या जाने का मौका मिले, तो कामाख्या देवी के मंदिर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। गुवाहाटी के बारे में सुना हो और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में ना सुना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। काजीरंगा नेशनल पार्क एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा इस नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्थल घोषित किया जा चुका है। यहाँ आपको कई जाति और प्रजाति के जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गुवाहाटी में आस्था का केंद्र उमानंद मंदिर भी है, जो मयूर द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भस्म कला या भस्म कुटा भी कहा जाता है। ये उमानंद मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। भोले के भक्तों का मेला लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर की ही तरह उमानंद मंदिर में भी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। आपको बता दूं कि उमानंद नाम की उत्पत्ति दो शब्दों उमा और आनंद से मिलकर हुई है, जिसमें उमा शब्द भगवान शिव की पत्नी के नाम को दर्शाता है। पूर्वोत्तर का केंद्र होने के कारण गुवाहाटी व्यवसायिक रूप से काफी गहमा गहमी वाला शहर है। यहाँ तरह तरह के व्यापार लोगों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के साथ साथ एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो इसे असम में दूसरे शहरों से काफी अलग बनाता है। साथ ही गुवाहाटी मेघालय सहित अन्य राज्यों को जोड़ने का काम भी करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के कारण ये शहर शिक्षा के मामलों में भी किसी से पीछे नहीं है।
बता दूं कि हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक ब्रांच गुवाहाटी में खोली गई है। साथ ही यहां के इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज शहर को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत मानते हैं। शिक्षा के अलावा संस्कृति की बात की जाए तो वो भी गुवाहाटी को बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाती है। यहां का श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है और यहां बिहू व दूसरे उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बिहू को यहां का प्रमुख उत्सव माना जाता है, जिसमें गुवाहाटी के लोग एक खास तरह की ड्रेस में डांस और कार्यक्रम करते नजर आते हैं। गुवाहाटी शहर में शहरीकरण और व्यवसायीकरण के मॉडर्न युग को ध्यान में रखते हुए शानदार जीवन शैली और एक खूबसूरत नाइट लाइफ का संगम देखने को मिलता है। गुवाहाटी में एक चिड़ियाघर है जिसे असम राज्य चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में अधिक संख्या में विभिन्न जाति प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं। खाने के मामले में भी गुवाहाटी पर्यटकों को नाराज नहीं करता है। यहाँ का लजीज खाना ऐसा होता है कि जिसे एक बार खाने के बाद आप भूल नहीं सकते। इसी लजीज भोजन में से एक है वॉन्टॉन। गुवाहाटी में मिलने वाला वॉन्टॉन बड़ा ही चटपटा और स्वादिष्ट है। मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया है बोलते हुए। ये कुछ बहुत मोमोज जैसा ही होता है। मोमोज जहाँ भाप में पकाए जाते हैं वहीं ये फ्राई किए जाते हैं। पकौड़ी की तरह लगने वाला ये वॉन्टॉन नॉनवेज और वेज दोनों ही स्वादों में बनता है। तो गुवाहाटी जाएं तो प्लीज वॉन्टॉन खाएं। इसके अलावा यहाँ की चाट गलियाँ भी अपनी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। घुगनी भी गुवाहाटी के स्ट्रीट फूड में शामिल है। यहाँ घुगनी बेचने वालों का दावा होता है कि इसे एक बार खाएंगे तो यहाँ पर बार बार घूमने आएंगे। घुगनी बेसिकली मटर या फिर चने से बनती है। मटर के ऊपर पड़ी प्याज, हरा धनिया और चटपटे मसाले ओए होए किसी भी पर्यटक के मुंह में पानी लाने के लिए काफी होते हैं। यहाँ घुगनी स्टॉल से लेकर ठेलों पर आराम से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से आप सरिया घाट पुल का विहंगम नजारा देख सकते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो असम स्टेट म्यूजियम, गुवाहाटी तारा मंडल और शहर के ढेर सारे मंदिरों को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये अपने चाय उत्पादन और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। गुवाहाटी में कई रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शायद आप नहीं जानते हो लेकिन प्राकृतिक सुंदरताओं के लिए जाना जाने वाला ये शहर सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ के डेवलपमेंट में गुवाहाटी के एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉलेज गुवाहाटी में ही शुरू हुआ था, जिसका नाम है कॉटन कॉलेज। इस कॉलेज का निर्माण अंग्रेजों के टाइम में ही हो चुका था। अंग्रेजों के काल में बनाए कॉलेज एजुकेशन के मामले में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है और आज के समय में कॉटन कॉलेज बन चुका है कॉटन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा गुवाहाटी इसलिए भी खास है कि असम के लगभग सभी उत्सव गुवाहाटी में भी मनाए जाते हैं। गुवाहाटी के लोगों की एक खास बात है, ये लोग अपने धर्म, संस्कृति और शहर के साथ साथ अपनी भाषा पर काफी गर्व महसूस करते हैं। इन्हें हमारी तरह अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलने में शर्म नहीं आती है, बल्कि ये अपनी भाषा को पूरे सम्मान के साथ बोलते हैं और समझते हैं। बिहू त्योहार के अलावा असम में अंबुबाची मेला, होली, दुर्गा पूजा, ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। गुवाहाटी में होजो एक प्राचीन तीर्थ स्थल है और ये स्थान तीनों धर्म, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध के अनुयायियों के लिए एक आकर्षित स्थान है। ये स्थान दुर्गा, विष्णु, शिव, बुद्ध के अलावा प्रमुख मुस्लिम संतों को समर्पित है। ये स्थान असम में गुवाहाटी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुवाहाटी की कामेंग नदी में शानदार राफ्टिंग का मजा लिया जा सकता है। ये स्थान समृद्ध आदिवासी संस्कृति, घने जंगल, मदर नेचर की महिमा, शानदार नदी तंत्र और अद्भुत जैव विविधता के बीच आकर्षित कर देने वाला स्थान है। यहाँ आने वाले पर्यटक शानदार राफ्टिंग का अनुभव लेते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। गुवाहाटी में देखने के लिए दिसपुर शहर पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थान साबित हो सकता है। दिसपुर में देखने वाली जगह में सुंदर झरने और आकर्षित करने वाली ट्रैकिंग ट्रेल है। यहाँ बना हुआ शंकर देव कला क्षेत्र का सांस्कृतिक संग्रहालय भी खूब लोकप्रिय है। संग्रहालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों को देखने का अनुभव लिया जा सकता है। अगर कभी आप गुवाहाटी में गए और वहाँ होने वाले कार्यक्रमों को ना देख पाए तो उसके लिए ये म्यूजियम आपकी हेल्प कर सकता है, जिसमें पूरे गुवाहाटी की संस्कृति समाई गई है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना सराय घाट ब्रिज एक सुंदर ब्रिज है जो आपको एक अलग ही फीलिंग देता है। इन सब के अलावा स्पोर्ट्स के मामले में भी गुवाहाटी अपना नाम इंडिया के टॉप सिटीज में भी दर्ज करवाता है। यहाँ बरसापारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसके साथ ही नेहरू स्टेडियम भी एक बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टेडियम माना जाता है। यातायात के मामले में भी गुवाहाटी बहुत ही शानदार शहर माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ गुवाहाटी एक ऐसी मॉडर्न सिटी है जो दिन पर दिन खुद को डेवलप कर रही है। पहाड़,
और नदियों से भरे इस शहर में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आप गुवाहाटी की सैर पर गए तो यहाँ के ताज होटल और रेडिसन ब्लू होटल की लाजवाब सर्विसेज का मजा उठा सकते हैं। अगर आप अपने वीकेंड पर किसी सुंदर जगह पर समय बिताना चाहते हैं तो गुवाहाटी आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। यहाँ सुंदरता के साथ शांति और मॉडर्न व प्राचीन दोनों संस्कृतियों का अलग ही संगम है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मतलब आप फ्री की सैर कर आए हैं यार गुवाहाटी की, कैसा लगा कमेंट करके तो बताओ कम से कम। और जितना हो सकता है सर इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और क्या क्या देखना चाहते हो, कौन से शहर के बारे में जानना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ना लेकर आऊं। ठीक है, मिलते हैं, सी यू, बाय, सायोनारा।